हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह की अर्ली मॉर्निंग हो रही है बड़े ही अच्छे व्लॉग से, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो अब आने वाले दिनों में आपको उत्तराखंड के फिर से अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। हम लोग एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हम लोग सब रेडी हो गए हैं और गाड़ी में सामान वगैरह रख दिया और अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा मेरे नई उत्तराखंड सीरीज़ में, उत्तराखंड के व्लॉग्स में। आपके साथ काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस और शादी के फंक्शन शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी निकल चुके हैं कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। और अर्नव का हाल देखो, अच्छा वाला भालू बना है अर्नव, ये देखो। 5 से 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है हल्द्वानी का, उससे ज़्यादा भी लग जाता है क्योंकि अर्नव के साथ थोड़ा सा रुक रुक के जाना होता है और सामान रखते रखते सब कुछ करते करते हमें इतना टाइम तो लग ही गया। तो दोस्तों, फाइनली अर्नव ने कर ली है उल्टी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। और अब मेरा बेटा खा रहा है चिप्स, वरना जो गाड़ी में खाने के लिए चिप्स लिए होते हैं ना, वो अर्नव पैक करके पूरा जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन होता है वहीं तक ले जाता है, वो खुलता ही नहीं है। लेकिन आज तो खा रहा है, है ना। अर्नव ने बहुत हिम्मत दिखाई। तो अभी हमारे को 1-1.5 घंटा हो गया है ट्रैवल करते हुए, थोड़ी थोड़ी झपकी भी ले ली है हमने। और इसने अब एक बार ही मतलब सुबह टोस्ट वगैरह खिलाया था मैंने इसको, दूध उध नहीं पिलाया था ट्रैवल कर रहे करके। और अब एक मोगा करके रेस्टोरेंट आता है तो वो मोस्टली वहीं रुकना होता है हमारा। तो इस बार ये कहाँ रुकते हैं देखते हैं। इनका है कि उसके बगल में लास्ट टाइम इन्होंने मैकडी देख लिया था, हमें वहाँ जाना है कह रहे थे, बट ठीक है, जैसे बच्चे कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा स्टे करेंगे, फिर तो सीधे हल्द्वानी ही जाके रुकना है हमने। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने भी लिया है ब्रेक, जिस रेस्टोरेंट में जाते थे वहाँ तो नहीं गए हैं बच्चों ने, डोमिनोज में जाने की जिद करी। तो अभी हम लोग डोमिनोज में खा रहे हैं पिज्ज़ा। फिर आगे के लिए ट्रैवलिंग शुरू करेंगे हम लोग। 3-3.5 घंटे लंबे लगेंगे पहुंचने में। तो चलिए, रास्ते भर की वीडियो भी आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 3 से ऊपर हो गया है और पहाड़ दिखने लग गए हैं थोड़े थोड़े, आप लोग देख सकते हैं। अभी उनके घर तो नहीं पहुंचे हैं, हल्द्वानी एंटर करें। और अब एक मजे की बात बताती हूँ आपको, जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हल्द्वानी एंटर करते ही हम लोगों को का, आप लोग में से काफी लोग उसके वीडियोस देखते होंगे, सौरभ जोशी मिल गया था हल्द्वानी मेन मार्केट में। तो मैंने तो पहचाना नहीं, मेरे हस्बैंड ने पहचाना था कि इसकी उसकी गाड़ी है, उसकी रेड कलर की थार थी। और मैंने उसको बिल्कुल पास से देखा भी, लेकिन हम फोटो वगैरह उसके साथ खिंचवाना चाह रहे थे, लेकिन वो खड़ा था बिल्कुल मेन रोड में। तो गाड़ी वगैरह उसको कहीं पार्क वगैरह करनी थी, तो फिर हम लोग इतना रुके नहीं और वो भी चला ही गया था। तो उसके साथ फ़ोटो तो हम नहीं क्लिक करवा पाए। तो पता भी चला कि बंदा कितना मतलब बच्चों को देखते हुए भी वो रुका नहीं फ़ोटो के लिए। हमने उससे बोला भी था कि फ़ोटो क्लिक कर रही है, अब सी मिल उसी से हुआ था मिलना एक्सपीरियंस। तो जैसा वो दिखाता है ना कि मैं बहुत फ़ैन के साथ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब उसकी जहाँ भीड़ भीड़ देखता है तो वहीं होता है उसका सब कुछ, बाकी वो अकेले में हमने देख लिया कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम ये आपसे इंसिडेंट शेयर नहीं किया था क्योंकि उस समय काफ़ी हौश पौश में भी थे हम लोग और आराध्या की भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने वीडियोस भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। मैंने सोचा इस बार आपसे ज़रूर बताऊंगी ये वाला इंसिडेंट। तो चलिए, अब दीदी के घर पहुंच के आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दीदी लोगों के घर के पास में पहुँच गए हैं फाइनली। कितने बज रहे हैं, 3:30 से ऊपर हो चुके हैं और हम अब
अरे हेलो, तो फ्रेंड्स बच्चे भी अपना सामान पैक करके लाए थे और आते ही देखिए इन्होंने सब कैसे खोल दिया है। ये भी लग गए सारा अपना सामान अनपैक करने में, कलर सब कुछ लेके आए हैं। और भैया भी पहुंच चुके थे, भैया भी शादी अटेंड करने आए हैं और दीदी ने डिनर भी रेडी कर लिया है। हम तो 4 बजे पहुँचे थे तो हल्का फुल्का ही खाया था और अब अच्छे से रात को डिनर करा हमने। तो ये हैं जीजा जी जो कि खाना सर्व कर रहे हैं। मैं तो बहुत बुरी थक चुकी थी और मैं तो बिस्तर में घुसी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स देखिए पहाड़ों में कितनी जल्दी से रात हो जाती है और अभी पूरा रात हो चुकी है और सब यहाँ पे जल्दी से खा पी के सो जाते हैं। अब हम लोग ने भी खाना वाना खा लिया है, सो भी खाना वगैरह खा लिया है, अब हम लोग भी सोएंगे। बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। कल भी फंक्शंस है तो कल आपसे फिर से मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।